हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में टेंस के बारे में जानकारी दी थी और मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। मैं जो आपको बताऊंगी वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको समझने के लिए सबसे पहले रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट है हम सेंटेंस को पहचानने के लिए देखते हैं किसी सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थे इत्यादि शब्द आते हैं। जो कि कार्य के जारी रहने का उसमें समय जो है वो दिया रहता है, जिससे मुझे ये आप सबको पता चलेगा कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। रूल सेकंड में हम देखते हैं तीनों सेंटेंसेस के बारे में। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इन शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्या क्या उसमें होता है। पहला होता है सब्जेक्ट, फिर उसमें हैड बीन का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड नॉट का यूज होगा, उसके साथ बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस उसके साथ ing का यूज होगा। थर्ड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट होगा बीइंग, बी डबल ई एन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जो इस प्रकार हैं। एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल किसका होगा? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट
खेल रहा था। अब इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से होगा, ही हैड बीन, हैड के साथ बीन का यूज, प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस नंबर टू, तुम सन 1990 से इस शहर में रह रहे थे। तुम सन 1990 से इस शहर में रह रहे थे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, यू हैड बीन, हैड के साथ बीन का यूज, फर की फर्स्ट फॉर्म लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1990। यहाँ पे एक्चुअल आपकी दिया हुआ है ईयर, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज होगा। थर्ड सेंटेंस हम लेंगे, वे इस शहर में दो साल से रह रहे थे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, वे इस शहर में दो साल से रह रहे थे। अब यहाँ पे दिया हुआ है दो साल, इसका एक्चुअल नहीं दिया हुआ है, टाइम या समय या आप कह सकते हैं ईयर उसका, तो इसमें हम फॉर का यूज करेंगे, दे हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर टू ईयर्स। सेंटेंस फोर, वह तीन वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ही हैड, हैड के साथ बीन का यूज, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन दिस क्लास फॉर थ्री ईयर्स। सेंटेंस नंबर फाइव, फिफ्थ सेंटेंस, वे एक घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, वे एक घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आर। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है, वह एक सप्ताह से अपनी बेटी की देखभाल
नहीं कर रही थी। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, शी हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज किया गया है, लुकिंग आफ्टर हर डॉक्टर फॉर अ वीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, सेंटेंस नंबर टू, मैं गत माह से स्कूल नहीं जा रहा था। अब यहाँ गत माह लिखा हुआ है तो इसे मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं पिछले माह से स्कूल नहीं जा रहा था। इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंथ। सेंटेंस नंबर थ्री, उसकी नौकरानी 2 दिन से बर्तन नहीं धो रही थी। उसकी नौकरानी 2 दिन से बर्तन नहीं धो रही थी। इसको ट्रांसलेट करेंगे, हर मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी, हैड नॉट बी क्लीनिंग यूटेंसिल्स फॉर 2 days, her maid servant had not been cleaning utensils for 2 days. Fourth, वे इस नगर में 1990 से नहीं रह रहे थे। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, वे इस नगर में 1990 से नहीं रह रहे थे। इसका ट्रांसलेशन होगा, दे हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा है, लिविंग इन द सिटी सिंस 1990। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर फाइव, ये लड़कियां रविवार से गृह कार्य नहीं कर रही थी। ये लड़कियां रविवार से गृह कार्य नहीं कर रही थी। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, दीज गर्ल्स हैड नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस संडे। यहाँ पे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस खत्म हुए। अब मैं आपको बताऊंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल दूंगी और उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है ये बताऊंगी। फर्स्ट सेंटेंस,
क्या वह सवेरे से गंगा नहा रहा था या फिर रहा था? आ गया है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, हैड ही बीन बाथिंग या बेदिंग इन द गंगा सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर टू, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? अब यहाँ पे क्या आ गया, तो पहले इसका ट्रांसलेशन होगा, पे यहाँ पे लिखेंगे हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स. थर्ड लेंगे, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? अब इसका होगा why had you been playing cricket since morning? Why had you been playing cricket since morning? इसका फोर्थ सेंटेंस आप लेंगे, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था? इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा विच नॉवेल हैड दिस बॉय बीन रीडिंग reading रीडिंग फॉर 10 मिनट्स. सेंटेंस 5, तुम इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे थे? तुम इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे थे? सिंस वेन हैड यू बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज? अब मैंने आपको यहां पे बताया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में. इसमें कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताए जो कि पॉजिटिव सेंटेंस के थे, निगेटिव सेंटेंस के थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के थे. थैंक यू.
फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।